हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कहाँ गए पापा? अब देखो मेरा व्लॉग उठा तो आप कपड़े पहनने जा रहे हैं। पापा की रुक जा, मेरे को कपड़े पहन लेने दे। ये देखो इतनी टी शर्टें ला के दे दी भाई साहब, इतनी कि आप पहनो पापा, पर पापा को नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है। वो देखो बाहर चले गए कमरे से। मैं क्या करूंगा कपड़े पहन के, करना क्या, घर पे ही तो रहना। अरे यार आ जाओ, बड़े रहने दो, हमने बता दिया आपने नहीं पहने, आपने बनियान पहनी है। जैसे ही मेरा व्लॉग उठा है वो वैसे ही पापा तड़ीपाड़ होगा एकदम। तो गाइस बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, दीदी व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग नहीं आ रहा। हम लोग अपनी तैयारियों में, अपनी तैयारी में लगे, हम लोग बहुत बिजी चल रहे हैं। हमारा शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी, और एक तो मेरे बुटीक पे जो मेरी हेल्पर है, जो मेरा स्टाफ है, वो भी नहीं है, सब इकट्ठा। धासु व्लॉग बनेगा आज, पापा ने बोल दिया। पापा कैसे लग रहे हैं हमारे आज कपड़ों में? पापा कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। पूरे कपड़े में चड्डा ही पहना है, नीचे तो चड्डा, हम बता दे रहे ना पर। बोला आपने, कह रहे हैं कि ना, मैंने ऐसे बोला कि जो लोग हेल्दी होते हैं वो शायद बुढ़े जल्दी दिखते हैं, इसलिए मेरे को लोग बुढ़ा बोलते हैं। तो पापा मुझसे कह रहे हैं जब तू 30 की होएगी ना तो 30 पे 35 साल की लगेगी, मतलब मैं बुढ़ी लगूंगी। अब देखना पापा, मैं ऐसा अपने आप को कर दूंगी ना, ऐसा एक चुटकी बजा के देखना आप। तो क्या फर्क पड़ता है तू करे नहीं करे, हमने तेरे को ऐसी में पसंद करा। तो मम्मी मुझे, मैं भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना। तो अच्छी तो लगती है, अभी तो लेके आने, तो कौन लेके आता तेरा। अच्छी हमने गंदी लगती है, मुझे मेरा चेहरा देखने का मन नहीं करता, कांच में ऐसा बड़ा सा दिखता है। आज मैं मेकअप वो तैयार हो रही थी, ऐसे एलोवेरा लगा रही थी, तो मेरे को देखो मेरी नसें दिखने लगी। तो अरे तो बेटा, अभी प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। ऐसी हो जाऊंगी मैं हप्पू सिंह, भाभी जी घर पर है, भाभी जी घर पे, मैं तो भाभी, हमारी भाभी जी तो घर पर ही है। हप्पू सिंह। तो पापा आज कहाँ ले जा रहे हो आप घुमाने? आज क्या है, आज कुछ भी हो सकता है, बारिश हुई तो अच्छा दिन है बस, आज ठंडा मौसम रहेगा। आज मार्केट चलना अपने को बहन जी, चल रहे अपन तो, चल रहे हैं बहुत, तो जा रहे घूमने। तुम लोग जा रहे हैं तो फिर तब तैयारियां करनी है पापा, अब आपके लिए मम्मी के लिए तो सब सोच रहा है हम। आज आज बहुत सा सामान ले आना जो भी रह गया है, सही बात है, सारा काम कंप्लीट कर लो अभी क्योंकि बारिश हो रही है। हाँ फिर दीदी अपन जा भी नहीं पाएंगे, मौसम वो सावन मौसम, समझ ही नहीं आ रहा, बार बार बहुत लंबा पड़ता है जाने। हाँ यार पापा, एक घंटा जाने का एक घंटा आने का। और ये आगे बैठती तो मैं पीछे बोर हो जाती हूँ। वो उनके साथ आगे बैठो तो वो जिन लोगों के साथ बैठो ना उनकी शक्ल देख के मैं बोर हो जाती हूँ। हाँ यार, एक तो मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, बाल तो बहुत सुंदर, ऐसे ऐसे बाल हो रहे हैं मेरे। मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट कब से डाल के रखी है कि आपके जो भी सवाल हैं, क्योंकि मैं सारे कमेंट नहीं देख पाती हूँ, सारे कमेंट देखो भी तो हम उसमें रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आप उसमें मुझे जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं आप बता सकते हैं। तो उसमें ज़्यादातर कमेंट तो ये हैं कि बस हम आपको खुश देखना चाहते हैं, कोई सवाल नहीं है, और मेरी शादी से रिलेटेड सवाल हैं, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। तो जो भी आपके मन में चल रहा है, मैंने कब से वो पोस्ट डाल रखी है, आप वहाँ जाकर पूछ सकते हैं, ताकि मैं एक ही व्लॉग में सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ। मैं कब से वेट कर रही हूँ कि और कुछ आएगा, और कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं है, बस वो एक ही एक से आप लोग मिस मत करें, क्योंकि ये बार बार दीदी भी नहीं बताएंगी, एक बार पूछ लो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से चले जाएगी तो फिर नहीं मिलने वाली दोबारा। हाँ बस एक आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मुझसे और ताशी से रिलेटेड ही आप पूछिएगा, बाकी किसी क्रिएटर या फिर किसी और चीज़ के बारे में आप मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि उसका आंसर मैं नहीं करूँगी। आप पूछ भी लेंगे तो इसका आंसर मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि बाकी मैं किसी और के बारे में बात नहीं करूँगी मेरे व्लॉग में। तो मेरा, अगर मेरा चैनल पर आप हैं तो आपको इसमें मेरी फैमिली और मेरे व्लॉग से ही मिलेंगे, और किसी के बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी चल रहा हो। तो आप लोग जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वहाँ जाकर पूछ सकते हैं, ताकि मैं जल्दी से ये वाला जो व्लॉग है वो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। क्या सवाल है आपका? मैं ऐसी काली सी क्यों हो रही हूँ? तू अगर काली है तो हम तो निग्रो है फिर। तू अगर काली है तो हम तो निग्रो हो गए, मेरे डार्क सर्कल आ रहे हैं। अरे तो आन देना बेटा सब। अरे बेटा अभी आएंगे, अभी छोटू पूरा खाना खा रहा है ना। अरे ठीक है यार, तो मेरे चेहरे ने क्या बिगाड़ा है उसका? मेरा चेहरा अजीब सा, मेरे को देखने का मन नहीं करता, खुद को गुंडा लगता है। अभी तो और होएगा चेहरा, और सावली हो जाएगी।
टेंशन मत, परिवर्तन देखने को मिलेगा गोरी भाभी से काली भाभी बनने तक का सफर, भाभी का पूरा सफर आपको हमारे यूट्यूब जर्नी में इतना भी नहीं होगा, बाकी पति पत्नी एक थे। अब मैंने नहीं बोला मम्मी, पापा ने बोला। पापा ने क्या बोला चीनू के बारे में मम्मी? ये चीनू की टी शर्ट है जो ऐसे टंगी हुई है हैंगर में, क्या पता नहीं क्यों टांग के गए वो। अच्छा प्रेस करके गए है। अच्छा पापा को जब से स्टीम प्रेस आई पापा को सबने यही काम दे रखा है, लाते पापा ने ये बोला मिनोला मेरा गोरा से काले तक होने का सफर, तो फिर पापा ने धीरे से एक डायलॉग मारा, बताओ पापा बताओ क्या नहीं बोलो मेरे बेटे के बारे में क्या कहते, पति पत्नी एक जैसे, पति पत्नी एक से हो जाएंगे वर्के जी, मतलब काला बोला आपके बेटे को, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मेरा बेटा काला है ही नहीं, नजर में कहां से है एकदम लड़कियों से ज्यादा नखरे मम्मी। हाँ यार मम्मी वो ये तो ये सही बोल रही है, मम्मी को देख के तो ज्यादा ही आते हैं। अभी मुझसे क्या कह रहे हैं रात में धीरे से मम्मी कान में बोला ना दाल फरे कब बनाएंगी, मैंने बोला तो मम्मी के दाल फरे यानी हमारे घर की प्रसिद्ध रेसिपी दाल ढोकली, किसी दिन हम वो दिखाएंगे आपको कि हमारे यहाँ कैसे कुंटलों में बनती है। हाँ बाकी ऐसी मम्मी आप वो रेसिपी शेयर करना ना इसमें दाल ढोकली की। हाँ अपन पता है ऐसी बात, अपन हमारे यहाँ रोज सुबह यही पंचायत होती, सुबह नीचे आके बैठते हैं हम लोग बात करने में लग जाते हैं, पूरा हमारे पूरे काम अटक जाते हैं। हाँ और इस बार दीदी लेट करेंगी, मैं तो भैया टाइमली रेडी हूँ नहा धो के एकदम खा पी के, तो दीदी तुम लेट करो। हे गाइस तो अभी हम रेडी होकर निकलेंगे पहले बुटीक के लिए, क्योंकि स्टाफ नहीं है तो पहले वहीं जाना है, नहीं तो ऐसे कोई टाइमिंग नहीं होती है, स्टाफ रहता है तो मेरे जाने की ऐसी टाइमिंग नहीं है कि मुझे जल्दी से ही बुटीक निकलना पड़ेगा, फिर मैं आराम से अपना काम वाम करके निकलती हूँ। और पार्सल पे पार्सल आए जा रहे हैं और मैं प्रमोशन नहीं टाइम पर कर पा रही हूँ, ये बहुत दिक्कत का काम है। वहाँ से फिर हमें निकलना है मार्केट के लिए अगर बारिश नहीं हुई तो, नहीं तो फिर ये जो प्लान है वो कैंसिल करना पड़ेगा। रात भर बारिश हुई है यहाँ पर, पूरी रात इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, और लाइट भी नहीं थी, और सुबह देखो तो इतनी तेज़ गर्मी इतनी उमस हो रही है, नहीं तो हमने सोचा था कि आज हमारे बहुत सारे काम हो जाएंगे, लेकिन देखते हैं कैसे क्या हो पाता है। ताशी भी स्कूल गई है, उसके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, और सामने के उसके तीन दांत जो है ना वो टूट गए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा खाली खाली सा, बहुत दिक्कत भी गई उसको, लेकिन इतनी क्यूट लग रही है ना, मैं आपको वीडियो में ज़रूर से शेयर करूँगी। उसके आने से पहले ही मैं निकल जाती हूँ और फिर सीधे रात में मुलाकात होती है, ये बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि उसका स्कूल का टाइमिंग ही ऐसा है कि उससे पहले फिर मैं निकल जाती हूँ। अभी वेकेशंस चल रहे थे तो अच्छा लग रहा था, अब ताशी फिर से चली जाती सुबह तो पूरा खाली खाली सा, और उससे ज़्यादा बात भी नहीं हो पाती है। इसी के साथ मैं ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जितनी जल्दी आप मुझसे सवाल वहाँ पूछेंगे उतनी जल्दी मैं क्यू एन ए ब्लॉग लेकर आऊँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोगों ने ये बोला है कि बस आपको खुश देखना है और जो भी सवाल हैं वो एक ही चीज़ से रिलेटेड हैं, आप एक बार में पूछ लेंगे तो मैं ब्लॉग शेयर कर दूँगी, बाकी मैं बार बार फिर आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही।